ये लोग जो हैं भगोड़े हैं, ये लोग जो हैं विश्वासघाती हैं अपने समाज के प्रति, इनकी कोई आस्था नहीं है, इनकी अधिकारों को की रक्षा करने का कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, उसकी पूर्ति के लिए ये लोग भाजपा में गए हैं। संविधान को बदलने की बात करने वालों के साथ अगर वो गए हैं तो अपने निजी स्वार्थ के लिए गए हैं, उनको अपने समाज से, अपने राज्य के लोगों से कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी क्या है उसको जनता आज अच्छी तरह से जान गई है, और अगर इसके बावजूद भी अगर ये लोग वहां गए हैं तो इनको परिणाम उसका भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय में कुछ ऐसे ही आदिवासी नेता जो हैं बीजेपी ज्वाइन किया था और उनको हश्र उसका दिखी गया था, मिल गया था। इन्होंने बहुत बड़ी जो गलती तो की है, बल्कि अपनी मंशा जो है दिखा दी कि ये समाज के लिए नहीं है, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये राजनीति कर रहे हैं, तो इनको ये कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इनको पावर से मतलब है और उसी लालसा में गए हैं, तो कितना इनको, क्या इनका आगे का भविष्य होगा ये समय ही बताएगा। लोकसभा में आपने देखा क्या शिफ्ट हुआ, जो अभी आगे भी, और तो विधानसभा में तो और जो क्या वो वही जो लहर अभी भी है, लोग समझ गए हैं, जाग गए हैं कि भाजपा जो है पिछले 10 वर्षों में इन्होंने क्या करना चाहा इस देश की जनता के साथ, और विशेष रूप से जो आदिवासियों के साथ इन्होंने क्या कर दिया, और जिस तरह से इन लोगों ने एक तो जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा जो इन्होंने डिलिस्टिंग का भी जो ड्रामा पूरे देश में इन्होंने किया था, ये सब जनता जो है आदिवासी तो बिल्कुल ही इनकी मंशा को जान गए हैं, इसीलिए जो है सब एकजुट हैं, और इनकी दाल गलने नहीं वाली। अब ये एक जो है, एक तो पहले ही जो थे दूध के जले, अब छाछ भी जो है अब इनको फूंक के ही पीना पड़ेगा आगे भी 5 सालों तक, तो ये मेरा कहना है इनका। क्या बोल रहे हैं, अभी हार के बाद, लोकसभा में हार के बाद तो बीजेपी इतना खिसियाई हुई है आदिवासियों से कि पहले तो इन लोगों ने हमारा जनगणना प्रपत्र से तो हमारा कॉलम कोड जो 7वें नंबर पे आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं को हटा दिया, अब ये बोलते हैं कि आदिवासी जो अपने आप को दावा करते हैं कि वो यहाँ के मूल वासी हैं, सबसे पहले वासी यहाँ के रहे हैं, ये सब बेकार की बातें, हम भी मूल वासी हैं, और जो है इनका दावा जो है बिल्कुल ही निराधार है। तो ये सारे ही हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ये जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको धत्ता बता रहे हैं, और हमारे जो संवैधानिक अधिकारों को भी ये छीनना चाहते हैं, क्योंकि जो अनुच्छेद 13(3)(क) के अंतर्गत हमारे जो जमीन सुरक्षा संबंधी जो कानून बनाए अंग्रेजों ने, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए SPT एक्ट, विल्कंसन रूल और CNT एक्ट, इतने बड़े बड़े कानून जो बनाए वो भी सब विलोपित करने के इनकी मंशा है। और साथ ही साथ जो आपका 244 अनुच्छेद के अंतर्गत जो 1 और 2 में जो हमारा 5वीं 6वीं अनुसूची, जो हमारे स्वशासन की बात जो होती है, अनुसूचित क्षेत्र को चिन्हित करने और उसमें स्वशासन की जो बात होती है उसको भी ये लोग जो है मिटाना चाहते, क्योंकि कल को बोलेंगे तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो फिर तुम्हारे ये संवैधानिक प्रावधानों को क्यों नहीं विलोपित किया जाए, तुम्हारी अलग से तो कोई पहचान तो है नहीं। तो ये ऐसे लोगों के जो है बगल में उनके साथ जो ये बैठ गए हैं, तो इनको अपने समाज से कोई सरोकार नहीं है।